द्वारा लगातार देश में तरक्की की नई नई राहें खोली जा रही, देश में कई तरह की उपलब्धियां करवाई जा रही। इसी के चलते वंदे भारत ट्रेन जो कि दिल्ली से कटरा तक चल गई है और जिसका पठानकोट में स्टॉपेज ना होने के कारण पिछले लंबे समय से मांग की जा रही है कि पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज दिया जाए, जिसके लिए सिर्फ ना कि पठानकोट बल्कि पठानकोट के साथ लगते हिमाचल इलाके के लोगों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि वंदे भारत पठानकोट कैंट रुकने से ना सिर्फ पठानकोट में बल्कि इसका फायदा हिमाचल के साथ लगते लोगों को भी मिलेगा। इसी के चलते आज प्रेस वार्ता नूरपुर हिमाचल के विधायक रणवीर सिंह ने किया। मेरा नमस्कार। आज की जो प्रेस वार्ता हमने यहां आयोजित की है उसका मुख्य उद्देश्य है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में वंदे भारत ट्रेन जो पूरे भारतवर्ष में स्टार्ट की थी, 2019 अक्टूबर मंथ में दिल्ली से वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी जी के लिए वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट की गई थी। जब रणबीर सिंह निक्का जी विधायक बने, उसके विधायक बनने के तुरंत बाद ही हम दिल्ली गए थे। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी से हमने गुजारिश की थी, माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी से और माननीय रेलवे मिनिस्टर जी, उस वक्त पीयूष गोयल जी हुआ करते थे, उन सब से हमने गुजारिश की थी कि वंदे भारत ट्रेन जो दिल्ली से कटरा जाती है उसमें एक महत्वपूर्ण स्टेशन पड़ता है पठानकोट कैंट। आप सबको मालूम होगा इस पठानकोट कैंट का नाम पहले चक्की बैंक बोलते थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही इसका नाम जो है पठानकोट कैंट किया गया। वहाँ पर हिमाचल के और भी विधायकों ने रणबीर सिंह निक्का जी के साथ, जिसमें डीएस ठाकुर जी थे, माननीय हंसराज जी थे और हमारे पंजाब के साथ लगते हुए सुजानपुर क्षेत्र के पूर्व में रहे विधायक दिनेश बब्बू जी ने, सबने मिलके और मैं भी साथ में था, हमने डॉक्टर जनक जी थे विधायक भरमौर, हम सब ने मिलके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास ये अपनी प्रॉब्लम के लिए जो हमने रखा था कि पठानकोट एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है, पठानकोट एशिया में सबसे बड़ी कैंटोनमेंट है, उसके साथ साथ हमारे चंबा का क्षेत्र उसके लिए एकमात्र स्टेशन लगता है पठानकोट, हमारा कांगड़ा का क्षेत्र जिसमें बहुत सारे मात्रा में हमारे फौजी भाई रहते हैं, हमारे फौजी भाई कांगड़ा से हैं, उन्होंने जब भी अपनी ड्यूटी से आना होता था, छुट्टी से आना होता था, तो उनको इस ट्रेन की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। इसके साथ साथ ही देश विदेश से जो टूरिस्ट हमारे माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाते थे, उनकी भी एक इच्छा थी कि वापसी में वो पठानकोट उतरे ताकि देवभूमि हिमाचल कांगड़ा में जो देवतुल्य स्थान है, जैसे बृजेश्वरी माता जी, चामुंडा माता जी, ज्वाला जी, बैजनाथ महादेव का टेंपल है, वो वापसी में पठानकोट में उतरे और इन सब तीर्थ स्थलों के भी दर्शन करके, और हिमाचल में भी इस ट्रेन के रुकने से रोजगार बढ़ेगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये हमारा, हमने काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे और कल हमारे प्रयास जो हैं सफल हुए हैं और वंदे भारत ट्रेन पठानकोट में रुकेगी और इससे हमारे क्षेत्र में, पठानकोट के क्षेत्र में, कांगड़ा के क्षेत्र में, चंबा के क्षेत्र में भरपूर लोगों को जो है वो इस ट्रेन की सुविधा ले पाएंगे और उनको एक अच्छी सुविधा, वर्ल्ड क्लास ट्रेन की सुविधा मिलेगी और देश की राजधानी दिल्ली से कनेक्टिविटी उनकी मात्र 5 घंटे की हो जाएगी। तो इसी विषय पे माननीय विधायक नूरपुर रणबीर सिंह निक्का जी आपको विस्तार में बताएंगे, तो मैं माननीय रणबीर सिंह निक्का जी से आग्रह करूंगा कि आप विस्तार पूर्वक बताइए कि कैसे कैसे ये प्रयास रहे और जो ये सफलता मिली है उसके बारे में प्रेस के सभी बंधुओं को बताइए। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे पंजाब राज्य और हिमाचल से मेरी जहाँ पर कर्म भूमि है वहाँ से आए हुए मेरे पत्रकार साथी, आपका यहाँ पर आने पर मैं अपनी ओर से धन्यवाद करता हूँ। आज बड़ा खुशी का दिन है। कल लगभग कोई 5 बजे के करीब हमें दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय नेता का फ़ोन, मेरे फ़ोन पर बार बार बज रहा था। तो कल गुरु रविदास की जयंती थी तो अलग अलग जगह प्रोग्राम चल रहे थे तो बिजी था, मैंने फ़ोन निकाल के देखा तो 7 बार फ़ोन आया हुआ, तो गर्व से सीना चौड़ा होता है। हम उस पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसका नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।
एक आम कार्यकर्ता रणवीर सिंह निक्का पहली बार विधायक चुन के आया और गर्व से सीना चौड़ा इसलिए होता है कि हमने जो प्रस्ताव दिल्ली में जाकर चंद महीने पहले, 2-3 महीने पहले मैंने, मेरे साथ राहुल सिंह पठानिया जी, हमारे साथ डॉक्टर जनक जी विधायक हैं भरमौर से, डलोजी से विधायक हैं डीएस ठाकुर जी, हमारे साथ हमारे पूर्व विधायक रहे हैं सुजानपुर से दिनेश सिंह बब्बू जी, हम सभी मिलकर वंदे भारत ट्रेन के लिए हमारे पास पठानकोट से होकर, जो एक बड़ा जंक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रेन नहीं रुक रही थी, यहाँ पर हमारा जिला कांगड़ा, जिला पठानकोट, जिला चंबा, जिला गुरदासपुर, चार डिस्ट्रिक्ट का जो मेन यहाँ पर जंक्शन है, तकरीबन हमारे नौजवान साथी आर्मी में हैं, फौजी चंबा से, कांगड़ा से, बहुत से हमारे सेना में तैनात हैं और सबसे बड़ा कैंट यहाँ पर जो आर्मी का है, तो लोगों को आने जाने की सुविधा यहाँ पर मिले। हमारे लोगों ने बात करी कि हमें भी वंदे भारत में सफ़र करना है, हमारा भी टाइम बचे, हमने भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना होता है, दिल्ली आना जाना होता है, तो हमें भी वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिलनी चाहिए। तो मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर, राहुल सिंह पठानिया जी भी गए, सभी मिलकर माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ